बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रेल बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, जिस समय रेल बजट हमारे रेल मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे अगले साल को चुनाव है क्या, इतना लोक लुहावना बजट। चुनाव वाली साल आता है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार ऐसा बजट आया है तो आगे चलकर कितना अच्छा बजट आएगा, मैं समझता हूं कि शायद इस देश की जनता को कोई भी शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। माननीय, हमारे विपक्ष के साथी इस बजट की भी आलोचना कर रहे हैं और शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में बोलना ही बोलना है। उनकी अंतर आत्माएं भी इस बात को कहती होंगी कि बजट इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता था। मन पर हमारी सरकार की जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक इतना रेल बजट अच्छा नहीं देखा। सबसे बड़ी बात, रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। माननीय रेल मंत्री जी ने सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रेग्नेंट महिलाएं और वृद्ध लोगों के लिए नीचे की श्रेणी आरक्षित करने का बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है और सबसे बड़ा काम ट्रेन में फुनके लगाए गए हैं उसका काम किया है। ये मानने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेलीफोन चार्जर की घटना में जो मेरे सामने बीती है, मैं बताता हूं, मैं कहीं से आया था, मेरी पत्नी बोली मुझसे बात करो तब जाना, मेरी मजबूरी थी कि मेरी ट्रेन का टाइम फिक्स था, मैंने उनसे कह दिया मैं ट्रेन में पहुंच जाऊंगा तब बात करूंगा। लेकिन मानवर, दुर्भाग्य से बैटरी खत्म हो गई टेलीफोन की और जब टेलीफोन पर टेलीफोन 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 मिलाया वो हर बार बंद चला गया। जब मैं लखनऊ पहुंचा, जब सुबह को टेलीफोन आया, मानवर मैं ही जानता हूं कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि तुमने तो टेलीफोन बंद कर लिया था, उन्हें क्या पता था कि बैटरी चली गई, और अगर ये सुविधा पहले हुई होती तो शायद इस आप तो हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं भाई, जो मैंने मेरे पर बीती है। अगर ऐसा होता तो मेरे घर में झगड़ा नहीं होता। मानवर मानवर मैं दो चीजें और कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं। माननीय खड़गे जी यहां नहीं है, माननीय खड़गे जी ने पिछले रेल बजट में पेज नंबर 17 कॉलम नंबर 5 जिसकी प्रति मैं साथ लेकर आया हूं, उन्होंने एटा से अलीगढ़ रेल नई लाइन बनाने का प्रस्ताव किया था लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं हो पाया है। पिछले बजट में मेरे दो जिले आते हैं लोकसभा में, एटा और कासगंज, दोनों जिले मानवर आज तक रेल लाइन से जुड़ नहीं पाए हैं। मेरा अनुरोध है, इस बजट में नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले आने वाले बजट में मेरे दोनों जिलों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। दो गाड़ियों के ठहराव की बात है, मैं माननीय सिन्हा जी से मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, मेरे यहाँ की 15040 15041 जो स्टेशन बल्लूपुर कासगंज में है उसमें ठहराव हो जाए, मेरी ये मांग है। और प्रभु जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऊपर वाले प्रभु जी से और नीचे वाले प्रभु जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मान्यवर इस बजट की मान्यवर एक मिनट दीजिएगा, मैं तो नया सदस्य हूँ, अभी नया हूँ। मान्यवर मुझे इतने इस बजट की इतनी चर्चा और इतना लोगों ने सराहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, इतनी बरसात इस देश में हुई है बजट की, रेल बजट की, इस रेल बजट की बरसात की छोटे मोटे बूंदे मेरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ जाए तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।